हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी टी स्क्वायर. ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, टी सेकेंड्स में है. तो इस सिचुएशन के लिए कॉलम वन को कॉलम टू के साथ मैच करना है. पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स को टी के रिस्पेक्ट में. ये आ जाएगी माइनस टू बी टी. अब वेलोसिटी 2 सेकंड्स पे भी चाहिए और 0 पे भी चाहिए, तो वेलोसिटी है t इक्वल टू 0, तो 0 ही हो जाएगी t की वैल्यू 0 पुट करने पे. और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स कितनी हो जाएगी, माइनस 2 इंटू b की वैल्यू है 2.5 गिवन है यहाँ पे, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. ठीक है, तो ये हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी हो गई माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. तो माइनस 10 गिवन है q में, तो इसको q के साथ मैच करेंगे, और 0 गिवन है r में, तो ये r के साथ मैच हो जाएगा. और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाए तो ये हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू बी इंटू टी. ठीक है, तो माइनस का साइन क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया, वॉट क्या, तो 2 इंटू 2.5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा एस ऑप्शन. एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी. तो टी इक्वल टू 2 पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगी 8.5 माइनस कितना 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 1.5. और टी इक्वल टू 4 की बात की जाए उस पे कितने क्या पोजिशन है, 8.5 माइनस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 31.5. तो अगर एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो जाएगी अपॉन टोटल टाइम कितना है 2 सेकंड्स, 2 से 4 सेकंड्स के बीच में देखना है. तो ये हो जाएगा माइनस 30 अपॉन 2, यानी कि माइनस 15 मीटर पर सेकेंड होगी एवरेज वेलोसिटी, विच मीन्स पी ऑप्शन इसके साथ मैच करेंगे. तो क्यू आर एस पी जो होगा, क्यू आर एस पी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, I hope you understood it well. Thank you.